आज हम मिसिंग नंबर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो कि यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछ क्या रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इसको करें तो किधर से करें, रो वाइज करें या ना कलम वाइज करें। तो देखोगे यहाँ पे करने का ट्रिक ये होता है कि बड़ा नंबर देखो आप किधर है, तो यहाँ दिख रहा है आपको बड़ा नंबर और यहाँ दिख रहा है बड़ा नंबर ना, तो इसको हम लोग रो वाइज करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक? तो ठीक है, अब देखोगे यहाँ दिया हुआ है 6 है 13 है, अब इन दोनों में हम क्या करें, प्लस करें इंटू करें जो 72 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखोगे अगर हम इस 13 में से -1 कर दें तो बोलोगे 12 आएगा। ठीक है, अब इस 12 को अब इस 6 के साथ अगर हम इंटू कर देते हैं तो ये आ जाएगा 72। तो ये लॉजिक यहाँ भी फॉलो होना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 में जैसे हम यहाँ पे 13 से -1 की, उसी तरह से 7 से -1 करेंगे। तो 7 से -1 करोगे तो ये फिर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 6। अब इस 6 को किससे इंटू करेंगे, यहाँ पे देखोगे यहाँ जो 12 आया था -1 करने के बाद उसको इससे इंटू किए, तो यहाँ भी किससे इंटू करेंगे, इससे। तो ये 6 ऊर्जा 24 जो कि है यहाँ पे, तो लॉजिक क्लियर है। तो अब देखोगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 11 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और इस 10 को इस 9 के साथ इंटू कर देंगे तो भाई ये हो जाएगा 90। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखोगे आपको फाइंड करना है यहाँ पे ना, तो यहाँ भी सेम लॉजिक यूज़ करेंगे। बड़ा नंबर देखोगे कहाँ है, यहाँ 51 है और यहाँ 29, इसको भी रो वाइज ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ दिया हुआ है 6 है और 13 है, अब इस 6 और 13 में क्या करें भाई कि ये हमारा 51 आ जाए। तो अगर हम 6 प्लस 13 अगर कर दें तो ये फिर कितना हो जाएगा बोलोगे, 19 होगा, है ना। अब इस 19 को अगर हम 3 से इंटू करें, एक कांस्टेंट नंबर से हम इंटू करें जो हमारा क्या है 3 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 57, और उसके बाद हमें लाना कितना है 51, और यहाँ जो 6 है ना इस 6 को हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो ये फिर कितना हो जाएगा 51। तो ये लॉजिक यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को सबसे पहले हम प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस किए थे, तो 7 प्लस 4 करोगे तो ये हो जाएगा 11। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो यहाँ भी उसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फिर कितना हो जाएगा बोलोगे 33 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पे हम किससे माइनस किए थे, पहले वाले से ना, तो यहाँ भी हम 4 जो पहला है इससे माइनस कर देंगे, तो 33 माइनस 4 करोगे तो आ जाएगा भाई 29। देखोगे यहाँ पे है, क्लियर है कंसेप्ट। अब इसी प्रोसेस से हम आंसर को फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, है ना। तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो फिर कितना हो जाएगा बोलोगे 30 होगा। ठीक है, अब उसके बाद कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, सेम उसी कांस्टेंट नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 90 होगा। उसके बाद माइनस किए थे हम लोग क्या, ये पहला वाला नंबर ना, तो यहाँ पे कितना है 19 है, तो इस 19 को माइनस कर लेंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा 71, यानी आंसर हो जाएगा 71। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। तो देखोगे यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ हुआ है, सबसे पहले तो वही मेरा प्रोसेस रहेगा कि बड़ा नंबर यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, यानी रो वाइज हम करेंगे इसको भी। ठीक है, तो देखोगे 8 है 25 है और 76 है, तो ये जो दिख रहा है ना इन नंबर के बीच ही एक लॉजिक छुपा हुआ है। अब ये कैसे देखोगे, अगर हम 8 को 3 से इंटू करें तो 8 3 जा हो गया 24, और इस 24 में प्लस 1 कर दे तो मिल जाएगा मुझे 25, और इस 25 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करेंगे तो 25 इंटू 3 करोगे 75 प्लस 1 76। देखोगे तो देखो पहला जो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है रूप है, तो इसको 3 से इंटू करके प्लस 1 करने से ये मिल रहा है, इसको फिर 3 से इंटू करके प्लस 1 करने से ये मिला, तो ये लॉजिक यहाँ भी फॉलो हो रहा है। देखोगे 5 इंटू 3 करोगे 15 प्लस 1 16 मिला, फिर 16 इंटू 3 करोगे 48 प्लस 1 करोगे 49 हो गया। क्लियर है, तो देखोगे यहाँ पे 7 इंटू 3 करोगे 21 प्लस 1 करोगे 22 आया। अब आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इस 22 में
थ्री से इंटू करके प्लस वन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 66, प्लस वन करोगे तो फिर हो जाएगा 67। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, बड़ा नंबर तो आपको यहीं दिख रहा है, इसको भी रोवाइज ही करेंगे हम। तो 169 और 361 ये एक स्क्वायर नंबर है, कितने का स्क्वायर नंबर है ये, तो बोलोगे 13 का स्क्वायर है और ये हो गया आपका 19 का स्क्वायर है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये 13 आया कैसे और ये 19 आया कैसे, पहले हम ये पता लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो दिख रहा है आपको नंबर 6 और 7, अगर हम इसको प्लस कर दें, 6 प्लस 7 13 हो जाएगा, और जो मिला उसका स्क्वायर कर दी 169 मिल गया। सेम लॉजिक 10 प्लस 9 19 और 19 का स्क्वायर 361। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 प्लस 3 करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 121। क्लियर है। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।